हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार बबल इफेक्ट कैपकट में कैसे बनाना है। सबसे पहले अपनी वीडियो कैपकट में इंपोर्ट कर लेनी है और उसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। अब उस ओवरले को मेन क्लिप के अंडर लाना है। उसके बाद अपने ओवरले को सिलेक्ट करना है और अपने कार का PNG कटआउट कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट में जाना है और डिस्टोरेशन वाला इफेक्ट है वो हमें ऐड करना है। इफेक्ट की लेंथ अपने वीडियो के हिसाब से हमें एडजस्ट करनी है और जो अमाउंट है वो मैंने बताई है वही रखना है। ये रही वो इफेक्ट की अमाउंट जो मैंने अपने वीडियो में ऐड की है, मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद हमें अपने ओवरले को सिलेक्ट करना है और उसकी एक कॉपी बना देनी है और उस वाले ओवरले को हमें दोनों वीडियो के अंडर रखना है। नाउ उस ओवरले में हमें की फ्रेम ऐड करनी है, तो फर्स्ट की फ्रेम हमें सेकंड वाले ओवरले पे करनी है। की फ्रेम ऐड करने के बाद हमें उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है ताकि वो अपनी कार के ऊपर रहे। सेकंड की फ्रेम में हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है और लास्ट वाले यानी कि थर्ड की फ्रेम में हमें उसको वापस लाना है। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड में एडजस्टमेंट करना है जो मैं अपने वीडियो में कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना ताकि आपका वीडियो भी मेरे वीडियो जैसा ही बने। नाउ हमें दूसरा इफेक्ट ऐड करना है जो कलर ग्लिच में जाके कलर ग्लिच 2 है। इधर आपको सबसे बड़ा ध्यान यही रखना है कि ये वाला इफेक्ट अपने तीसरे ओवरले पे रखना है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट है रिपल डिस्टोरेशन, वो वाला हम ऐड करेंगे अभी। उसके बाद दूसरे वाला ओवरले है जो हमें सिलेक्ट करना है और उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है।